हेलो गाइस, सो ये वीडियो है टच पैड का। सो करेंटली मैं टू फिंगर से टच पैड को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग कर्सर बट ये टू फिंगर, सो इट्स वर्किंग स्मूथली। बट व्हाट हैपेंड हुआ ये कि मैं टच पैड काम नहीं कर रहा था। लेट मी शो यू हुआ क्या था और मैंने कैसे ठीक किया। सो इनेबल टच पैड सेटिंग ऑन। आप देखो ये ऊपर नीचे प्रॉपरली हो नहीं रहा। कभी कभी क्या होता है ना, माउस प्रॉपरली काम नहीं करता, टच पैड किसी टच पैड कभी भी काम नहीं करता, या इशू होती ऊपर नीचे करने में, या ड्रैग एंड ड्रॉप में, या क्लिक अच्छे से नहीं होता। सबको लगता है कि ड्राइवर का इशू हो गया है तो सब ड्राइवर अपडेट करने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गई है ना कि एडवांस चीज़ों से डर लगने लगता है। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं, ये एक फंक्शन इनेबल हो जाता है लैपटॉप में जो होता है स्मार्ट टच, एक स्मार्ट टच एरिया बोलो या स्मार्ट क्या है क्या है, देखता है अभी। तो सेटिंग में जाके टच पे सेटिंग में जाओगे आप, टच पैड सेट में सबसे नीचे आना। अगर मैं माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा, टच पैड प्रॉपर काम नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ, धीरे 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 धीरे। हाँ ये, हाँ ये एलएन टच पैड सेटिंग करके कुछ एक ऑप्शन है या दिख रहा है स्मार्ट एरिया। तो टच पैड का स्मार्ट एरिया इनेबल हो गया होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। या फिर जब इनविस्ट यूज करते हो आप लोग तब स्मार्ट एरिया पता नहीं, बट जो जो एरिया फ्रिक्वेंट यूज करते हो उस एरिया को स्मार्ट एरिया मान के उस एरिया पे लॉक लगा देता है। फिर उसके अलावा कोई और टच करते हो टच पैड में तो इशू करता है। इसको चुपचाप ऑफ कर देने का, इसको ऑफ करने बाद आपका जो टच पैड का इशू है कि भाई प्रॉपर टच पैड काम नहीं कर रहा है, ये सोचते हैं कि भाई ड्राइवर के इशू क्या इशू है, कोई इशू नहीं है। जस्ट ये ऑटोमेटिक स्मार्ट एरिया ऑन है, इसको ऑफ कर दो और फिर आपका टच पैड का इशू आराम से चला जाएगा। और भी ज़्यादा अच्छा करना है तो एक सेंसिटिव भी बढ़ा सकते हो। तो एक यहाँ पे कर्सर स्पीड बढ़ा सकते हो, ये पता ही होगा आपको। बट इसी टच पैड में यहाँ पे आपको ये सेंसिटिव एरिया होता है, इसको फुल कर सकते कर दो। मुझे सेंसिटिव एरिया फुल पसंद है। ये पाम चेक को मीडियम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे सेंसिटिव ज़्यादा पसंद है कि मुझे बहुत फ्रीक्वेंट चाहिए होता है, मतलब माउस बहुत स्पीड काम करे। सो ये था अगर टच पैड प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो उसको कैसे ठीक करें।